हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है। आज की रेसिपी है टाइगर बिस्किट से नए तरीके से मोदक बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइगर बिस्किट से नए तरीके से मोदक बना। आज हम टाइगर बिस्किट के बिल्कुल नए तरीके से मोदक बनाएंगे। ये मैंने छोटे पैकेट 10 पैकेट टाइगर बिस्किट के लिए हैं। एक कटोरी हमने नारियल का बरूदा लिया है और एक कटोरी हमने मिल्क पाउडर लिया है और एक कप हमने दूध लिया है। तो आइए बनाते हैं मोदक। ये मैंने एक बाउल लिया है। सबसे पहले ये मैं बिस्किट के पैकेट खोल लूँगी। मैं बिस्किट को इस मिक्सी के जार में निकालूँगी और इन्हें मैं तोड़ लूँगी हाथ से। ये मैंने बिस्किट को इसमें निकाल लिया है। 5 पैकेट मैंने खोल के डाल लिए हैं। अब मैं इसका पाउडर तैयार कर लूँगी। ये हमने पीस कर पाउडर तैयार कर लिया है इसका। अब मैं इसे इस बाउल के अंदर डाल दूँगी और इसी प्रकार से मैं बाकी बचे हुए बिस्किट भी का पाउडर तैयार कर लूँगी मैं। ये मैंने सारे बिस्किट के पैकेट को मिक्सी के जार में डाल दिया है। इसका भी बारीक मैं पाउडर बना लूँगी। ये हमारा सारा पाउडर पिसकर तैयार हो चुका है। इसे मैं एक साइड में रख दूँगी और ये मैंने सॉस पैन लिया है। गैस को मैंने ऑन कर लिया है और ये मैंने एक कप दूध डाला है इसके अंदर। साथ ही इसमें मैं ये मिल्क पाउडर डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। और अब मैं इसके अंदर ये नारियल का बुरादा डाल दूंगी और इसका एक गाढ़ा सा मैं पेस्ट बना लूंगी। और ये हमारा एक गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। और गैस को मैं बंद कर दूंगी और इस पेस्ट को मैं ठंडा होने दूंगी। जब तक ये हमारा पेस्ट ठंडा होता है तब तक हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 चम्मच ये वाला मलाई ली है। अब मैं मलाई को इसके पेस्ट के अंदर डाल दूंगी और इसका डो बनाकर मैं तैयार करूंगी। और ये हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। और ये हमारा डो तैयार हो चुका है। और जो ये मैंने दूध और नारियल का पेस्ट तैयार किया है इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं इस डो को हाथ से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अब मैं ये पेस्ट लूँगी और ये मैंने एक मोदक का सांचा लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा इस डो को भरूँगी। डो
दोनों साइड में मैं थोड़ा थोड़ा सा डो भर दूंगी। ये और साथ ही ये जो मैंने पेस्ट नारियल का तैयार किया है ये इसके अंदर भरूंगी बीच में और इसे मैं बंद करूंगी। और अब मैं इसको खोलूंगी और ये हमारा कितने अच्छे से मोदक बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी। ये कितने बढ़िया से बनके तैयार हुए हैं। अब मैं इसको इस प्रकार से बंद करूंगी और आधा इसको भरूंगी मैं। आप चाहे इस प्रकार से भी बना सकते हैं और आधा पेस्ट मैं ये वाला भरूंगी। और ये देखो मोदक हमारा कितना बढ़िया बना है ये वाला भी। अब मैं आधे मोदक इस प्रकार से बनाऊंगी और आधे दूसरे प्रकार से बनाऊंगी। अब हम इसी प्रकार से मोदक सारे बनाकर तैयार करेंगे। और ये हमारे मोदक सारे बनकर तैयार हो चुके हैं और ये मैं मोदक को तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखो कितने अच्छे से बना है मोदक हमारा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।